यस चलो गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने मुझे लगता है कि जो मोशन इन प्लेन के अंदर के सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज करके लिए थे एंड वी हैव सीन व्हाट आर द फॉर्मूले फ्रॉम दिस मोशन इन प्लेन। तो मोशन इन प्लेन के अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स आते हैं जैसा कि सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन और इन जनरल टू डायमेंशनल मोशन। तो ये सारे फॉर्मूले जो है तो वो हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में देखे थे, लिस्ट आउट किए थे। अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द अबाउट द सॉल्यूशन, द न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पार्ट है वो हम आज कंडक्ट करेंगे। सो लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड सम न्यूमेरिकल्स ऑन योर ऐप। आपके ऐप में भी मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स शेयर किए हैं तो वो भी आपको मिले रहेंगे, होप सो। एंड यू हैव स्टार्टेड देम, स्टार्टेड सॉल्विंग देम। तो उसमें भी अगर कुछ आपको डाउट अगर आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। उसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी मैंने शेयर किया है तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। अगर उसमें से भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर डाउट में पूछ सकते हो, नो डाउट। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द योर टेक्स्ट बुक। दिस इज हियर। ओके तो लेट अस चेक। Yes, just read this question. An aeroplane has a run of 500 meter to take off from runway. ठीक है, एक एरोप्लेन है उसका रन जो है तो वो 500 मीटर का है और इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर रनवे इन 30 सेकेंड्स। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन टू टेक ऑफ। तो मतलब एट द टेक ऑफ, मतलब जब वो टेक ऑफ करेगा तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा तो वो हमको पूछा है। देखो एक सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये सपोज रनवे है एंड यहाँ से एरोप्लेन स्टार्ट करता है विद द जीरो स्पीड। तो इनिशियल वेलोसिटी हियर इज गोइंग टू बी जीरो, नो डाउट। एंड व्हाट अबाउट द फाइनल वेलोसिटी गिवन हियर इज। फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट, करेक्ट है। टेक ऑफ होने के टाइम, जब टेक ऑफ लेने के टाइम उसका वेलोसिटी कितना है वो हमको ढूंढ के निकालना है, वी उसको हम बोल सकते हैं। एंड 30 सेकेंड्स ये भी दिया हुआ है, 30 सेकेंड तक वो रनवे पे दौड़ रहा है। तो इसका मतलब टाइम हियर इज गिवन टू बी 30 सेकेंड्स, राइट। एंड ऑल्सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, देखो 500 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब सीधा मतलब ये होता है कि 30 सेकेंड्स में वो 500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, करेक्ट है। ये डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है वो भी 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर ऐसा है तो इससे ही हमको उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा और वो एक्सेलरेशन यूज करके और फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करके हमको डायरेक्ट उसका जो वेलोसिटी है टेक ऑफ के ऊपर का वो मिल सकता है आराम से। बट देयर इज अनदर मेथड, आई विल आल्सो एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो बाय दिस फर्स्ट मेथड जो मैंने अभी पहले बताया कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आपको पहले एक्सेलरेशन निकाल के लेना होगा। एस के बदले डाल दो 500 मीटर जो कि यू के बदले जीरो आने वाला है, इनटू टाइम तो 30 दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड प्लस हियर इट इज हाफ ऑफ ए, ए मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन विच इज टू बी फाउंड आउट। एंड टी इज अगेन 900 30 एंड इज 30 का स्क्वायर, करेक्ट है।
तो ये बन गया हमारा 500 इज इक्वल टू, ये 13 टू 0 बिकम्स 0 प्लस हियर इट इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ a इनटू 900 व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 450, करेक्ट है? सो दिस इज 450 इनटू a, तो a इज एक्चुअली गोइंग टू बी 500 अपॉन 450, दैट मींस 0 0 गेट्स कैंसिल्ड एंड इफ यू रिड्यूस इट बाय 5 देन वी कैन गेट इट एज 10 by 9 meter per second square. Keep it in mind and just keep it as it is, no doubt. Okay, acceleration mil gaya. Now we are in a position to find out the velocity. The velocity is can found out by the first kinematic equation, which tells us that v equal to u plus at, correct hai? So yahan pe v equal to u plus at, ye equation use karke humko v velocity milega. Yahi velocity uska takeoff ka velocity rahega. U is 0 and a is already there, 10 by 9, right? And that is to be multiplied with time, which is 30. So here it is 30 seconds. So we can just find it out. V is actually going to be, abhi yahan pe 9 aur 30 ko cancel kar sakte ho. This is 3 and this is 10. So it comes out to be actually 100 by 3, correct hai? 100 by 3 meter per second. But if you want it in kilometer per hour, as it is mentioned there, then we can say that this will be v equal to 100 by 3 must be multiplied with 18 by 5. Yaad hai? Kilometer per hour mein convert karne ke liye 18 by 5 se multiply karna padta hai. Because you know that 1 kilometer per hour is always equal to 5 by 18 meter per second. Aur ye aata kaise hai? किलोमीटर का मतलब 1000 होता है और आर का मतलब 3600 होता है. तो उन दोनों को आप डाल देंगे और रिड्यूस करेंगे तो हमको ये 5 बाय 18 रेशियो मिलता है. और इसीलिए मीटर 1 मीटर पर सेकंड कैन बी रिटन टू इक्वल टू, तो 1 मीटर पर सेकंड बिकम्स इक्वल टू व्हाट, 18 बाय 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर. सो इफ यू सिंपलीफाई दिस टिल फर्दर, then we can get this as v is equal to a 3, 18 ke sath cancel ho jayega, 6 bachega idhar aur 100 is 6 a aur ye even 5 bhi cancel ho jayega 100 ke sath aur 20 bachega idhar, to 26 a 120, to 120 kilometer per hour. This is actually going to be the velocity, no doubt. But as I have just mentioned, we can solve this by another method also. एक दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने एक इक्वेशन बताया था, s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इनटू t. ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो तुमको डायरेक्ट वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं रहेगी. यहाँ पे कैसे है, आपको पहले एक्सेलरेशन निकाल के लेना पड़ रहा है 10 बाय 9 करके, और उसके बाद फिर हम ये एक्सेलरेशन यूज करके, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बराबर. बट दैट इज नॉट नेसेसरी इफ यू यूज दिस इक्वेशन डायरेक्टली. ये जो इक्वेशन है यही एक्चुअली सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाने का बेसिस है. हमने इससे ही सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन बनाया था, ठीक है ना. तो ये अगर यूज करेंगे तो इसमें देखो एस के बदले डाल सकते हैं 500 जो उसका वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू यू के बदले 0 जो कि हमको पता है ऑलरेडी, वी इज टू बी फाउंड आउट अपॉन 2 इंटू टी विच इज 30. So if we just take this 2 in this side and or just divide it by 2, ye 2 ko divide reduce karo, ye banega 15 yahan pe, aur 15 ko niche leke jao to humko kya milega, 900 divided by 15 which is going to be v. So v comes out to be what, 15 ones are 15, 6 are 60, nahi sorry 500 hai na wo, sorry. It is 500 here, so it will be 500 upon 15. That is going to be v. So if we simplify this further, then again we are going to get this as 5 threes are 15 and 500 are. So it comes out to be 100 by 3 once again in meter per second, as we have got it here. यहाँ पे जैसे हमको मिला था 100 by 3, वैसे हमको यहाँ पे भी वो मिल रहा है. ठीक है.
Yes, let us see the next question. आई थिंक थर्ड क्वेश्चन जो है वो तुमको आ जाएगा आराम से. यू कैन डू इट योर सेल्फ. लेट अस ट्राई दिस फोर्थ वन. Yes, just read this question carefully. Okay, can you read this? Yes, the velocity time graph is shown in the adjoining graph figure. Initial speed of the car, you have to find out. Maximum speed attained by the car, part of the graph showing zero acceleration, and the part of the graph showing the constant retardation and the distance traveled by the car in first 6 seconds. Yes, let us try to solve this. See here, first of all, we want to find out the initial speed of the car. Here, the velocity is plotted on this y-axis and the displacement or time is plotted on this x-axis. Barabar hai? To velocity jo hai, ye graph humko bata raha hai ki इन द इनिशियल स्टेज मतलब यहाँ पे जब ये टाइम जीरो था और तो उस समय वेलोसिटी भी जीरो था. इट पासेस थ्रू ओरिजिन. व्हाट डज इट मीन? व्हेन टाइम टी वाज जीरो वेलोसिटी वी वाज आल्सो जीरो. ये उसका मतलब होता है. इसका मतलब इनिशियल स्पीड जो है उसका जीरो हो गया. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको इधर ही मिल गया कि द इनिशियल स्पीड इज गोइंग टू बी जीरो. नो डाउट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जीरो है. यू को हम बोल सकते हैं U is going to be zero. Okay. Abhi maximum speed of the car attained by the car. Maximum speed attained by the car. How will you find it out? So, देखो maximum speed मतलब क्या? कि यहाँ पे देखो speed जो है वो बढ़ता जा रहा है और A point पे वो maximum बन रहा है. और वो कितना है? ये देखो ये 20 उसका maximum speed है. बराबर? This 20 is called as its maximum speed. तो इसलिए फिर second वाले का जो answer है वो बनेगा 20 meter per second. Correct है? Okay. This is the maximum speed attained by the car. The third part. Part of the graph showing the zero acceleration. Which part has zero acceleration? A से लेके B तक का जो part है, वही यहाँ पे zero acceleration वाला part दिख रहा है. समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि A से लेके B तक जो part है, उसके अंदर velocity constant है. और जब velocity constant होता है, तो acceleration zero होता है. बिल्कुल. अच्छा. और फिर यहाँ पे B से लेके C तक का जो part है, वो retardation वाला part है. This is the retardation part.
क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव हियर, तो रिटार्डेशन मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए यहाँ पे बी से लेके सी तक का जो पार्ट है वो रिटार्डेशन वाला पार्ट है. और फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ विल यू फाइंड आउट? देखो उसके लिए दो मेथड्स हैं. एक तो देखो फर्स्ट मेथड विल यूज, इट इज नथिंग बट द यूज ऑफ सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ड्यूरिंग इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ओके, पहले 3 सेकेंड्स के अंदर क्या हो रहा है, देखो इसे इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एंड दैट्स व्हाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. करेक्ट है, जिसमें हमको मिलेगा एस दैट इज इक्वल टू यू. यू मतलब कितना यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी विच इज जीरो हियर. यस, तो इसको हम डाल देंगे जीरो इंटू टी मतलब 3 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन. हाउ विल यू गेट दिस एक्सेलरेशन हियर? तो एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, देखो यहाँ पे जीरो था वेलोसिटी, यहाँ पे 20 हो गया, 20 था वेलोसिटी. तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा v माइनस यू अपॉन टाइम टी. सो v कितना है यहाँ पे 20 एंड माइनस यू कितना है जीरो, और टाइम कितना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड जो है वो है 3 सेकेंड्स का, बराबर है. तो इसलिए फिर यहाँ पे हम डाल देंगे 3 सेकेंड्स, जिससे हमको मिलेगा एक्सेलरेशन का वैल्यू 20/3. करेक्ट है, तो ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया. यस, एज सून एज वी गेट दिस एक्सेलरेशन वी कैन जस्ट पुट इट हियर इन दिस फॉर्मूला हियर. तो यहाँ पे हम उसको डाल सकते हैं 20/3, ओके, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्क्वायर. टाइम कितना है 3, इसलिए 3 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमको मिलेगा एस इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे आएगा 2 1 2 10, सो इट्स गोइंग टू बी 10/3 इनटू 9, सो दैट दिस 3 गेट्स कैंसिल्ड विद 9 एंड वी आर लेफ्ट विद 0 + 30, मतलब ही 30 मीटर. करेक्ट है, ये हो गया फर्स्ट 3 सेकेंड्स के अंदर का डिस्टेंस. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, ओके, मतलब ही फ्रॉम टाइम टी इक्वल टू 3 टू टाइम टी इक्वल टू 6, ये हमको देखना है. तो इसके अंदर क्या है ना कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. करेक्ट है, उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म कहलाता है, और यूनिफॉर्म मोशन होने के कारण हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो वो सिंपली इस फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा वी इन टू टी, दैट्स इट. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस एस टू उसको बोल सकते हैं, और इसको एस वन बोल देंगे चाहिए तो. यस, सो एस टू विल एक्चुअली बी इक्वल टू वी इन टू टी, वेयर वी इज गोइंग टू बी द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विच इज गोइंग टू बी 20 हियर. सो यहाँ पे डाल दो उसको 20, एंड टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे 3 to 6, मतलब टाइम इंटरवल हो गया 3, 6 - 3, मतलब ही 3 हो गया वो. तो इसलिए 20 × 3 कितना बनता है, 60 मीटर बनता है. So this is actually going to be the distance traveled. Okay, and then we can just put these values and get the total distance. So total distance traveled kitna hoga? So the total distance will be S1 plus S2. Pahle 3 seconds mein distance travel jo kiya wo alag se humne nikala. Aur agle 3 seconds mein jo distance travel kiya wo alag se nikala. So ye S1 jo banta hai 30 aur S2 jo ki 60. करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है 30 + 60 मतलब 90. दैट्स ऑल. देयर इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इफ ग्राफ इज गिवन स्पेशली. तो ग्राफ दिया होने से क्या होता है कि इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, इस पूरे पोर्शन का जो एरिया है, दैट एरिया विल एक्चुअली गिव अस द वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. रिमेंबर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस कर्व. रिमेंबर, तो एरिया अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया? देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया अंडर वी टी ग्राफ. ओके, ये बात याद रखो ठीक से. वी टी ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वही एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड हुआ करता है. तो अगर ये बात यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल एक्चुअली इक्वल टू एरिया अंडर दिस वी टी ग्राफ.
व्हाट इज दिस नेचर ऑफ दिस वीटी ग्राफ चेक. अगर वीटी ग्राफ के बारे में देखते हो केयरफुली तो आपको पता चलेगा कि ए से लेके ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके डी तक, और फिर ये ऐसा, ये एक ऐसा ट्रेपेजियम बन गया. देखो ट्रेपेजियम, सो दिस ट्रेपेजियम विल हैव द हाइट विच इज 20 हियर. बोल सकते हो ये 20 जो है वो उसका हाइट बन गया. एंड दिस टू आर इट्स पैरेलल साइड्स, यहां से लेके यहां तक जो है. अब ये साइड कितना है बताओ, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेकंड्स है, इसलिए ये डिस्टेंस हो गया 3. और दूसरा पैरेलल साइड जो है वो ए से लेके ओ से लेके डी तक का है, तो वो पैरेलल साइड कितना है, 6 सेकंड्स के बराबर है, करेक्ट है 6. Yes, and then we can just be able to use the formula for area of trapezium, which is nothing but the half into sum of parallel sides, and that is multiplied with area. Height. ये उसका formula है, trapezium का area का formula है. तो अगर हम ये use करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा देखो, which is equal to half of sum of parallel sides. How much it is? 3, correct? This is the first parallel side, and this 6 is going to be the second parallel side. So we can get this 3 plus 6 add up here, and that is to be multiplied with the height of this parallelogram, trapezium, which is going to be 20 here, right? So this 20 is kept here, and then we can just solve this further so as to get it as half of 9 into 20, so that this 2 gets cancelled with this 20 leaving behind 10, so that we get this 9 into 10, which is 90 meter directly, which is already here. देखो यहाँ पे भी हमको वही मिला था 90 meter, यहाँ पे भी हमको वही मिल रहा है the total distance. Only the difference is that यहाँ पे हमको कितना झंझट करना पड़ रहा है. ये देखो पहले दो parts में हमने उसको बांटा, 3 second के अंदर हमने उसको पहले distance निकाला, और उसके बाद उसके next 3 seconds के अंदर का जो distance है वो बाद में सेपरेट निकाला और इन दोनों को ऐड किया, जिससे हमको ये मिल गया. अच्छा अभी इसमें एक बात और समझो, ये जो हमने निकाला ना 3 सेकंड्स के अंदर का जो डिस्टेंस हमने निकाला वो एक्चुअली इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होने वाला है. समझा क्यों? ये ट्रायंगल का एरिया देखो, इसे हाउ विल यू फाइंड आउट दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हियर. यस वी कैन फाइंड इट आउट by using this simply the formula half into base into height, correct है? तो अगर use करेंगे इसको तो half into base कितना है उसका? ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3, right? और height कितना है उसका? तो 20. तो ये बन गया हमारा 2 ones are and 2 tens are, so 10 into 3 becomes 30, which is here. देखो लिख से यहाँ पे ये जो S1 मिला था 30, वो actually इस triangle के area के बराबर रहेगा. क्यों? क्योंकि the area under VT graph gives us the displacement, remember. And at the same time, the distance traveled in next 3 seconds, ये जो next 3 seconds के अंदर का जो distance है, वो जो हमको मिलेगा, वो जो हमको 60 मिला हुआ है यहाँ पे, वो actually इस rectangle के area के बराबर रहेगा रे कुछ से. It is going to be actually the area of this rectangle here, right? Rectangle का area कैसे निकलते हैं, वो तो हमको पता है already. It is going to be the length into breadth. तो length कितना है उसका? ये देखो ये उसका लेंथ है जो 3 है, और ब्रेड्थ कितना है? 20 है. तो अभी 3 और 20 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपली क्या मिलेगा, 60 मिलेगा. तो 60 मीटर इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन दिस नेक्स्ट 3 सेकंड्स. ओके सो ये छोटी छोटी बातें जो है तो वो हमको याद रखनी है. चलो ठीक है, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Yes, just read this next question. It's your fifth question here.
ओके जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. अ मैन थ्रोज अ बॉल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड. ओके तो देखो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर तक वो थ्रो कर सकता है इस बॉल को, राइट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर समझो ये प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे थ्रो किया तो इट कैन थ्रो अप टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. तो ये 80 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, करेक्ट है. अभी मैक्सिमम का मतलब ही क्या है? मैक्सिमम इस वर्ड से ही पता चलता है कि व्हेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 45, करेक्ट है. तो ये थीटा जब 45 डिग्री होगा तभी डिस्टेंस मैक्सिमम होगा. तो इसका मतलब व्हेन थीटा इज 45 एट दैट टाइम द रेंज इज गिवन टू बी 80, बराबर है. अगर 80 मीटर इतना रेंज उस समय है तो कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एट दैट टाइम. सो हाउ विल यू गेट दैट? मैक्सिमम हाइट रीच्ड एट दैट टाइम विल एक्चुअली बी इक्वल टू आर बाय 4, जस्ट वी हैव जस्ट स्टेटेड लास्ट टाइम. लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी 45 डिग्री एंगल होता है तो उस समय रेंज जो बनता है वो हाइट के 4 गुना ज्यादा होता है. तो इसका मतलब ही क्या होता कि हाइट इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ द रेंज. एंड इफ यू पुट द वैल्यूज हियर देन वी गेट दिस एज आर इज आर अपॉन 4 एंड आर इज गोइंग टू बी 80. तो 80 अपॉन 4 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया. समझा ठीक से? ठीक है. अगर आपको अगर इसमें भी अगर सपोज इसको प्रूव करना है और थोड़ा सा डिटेल में अगर समझना है तो कर सकते हो आराम से, क्योंकि हमारे पास आर का जो फॉर्मूला है तो उसमें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला है आर का, करेक्ट है. बट आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45. तो अगर यहाँ पे हम थीटा इक्वल टू 45 डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा ना. तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 टाइम्स ऑफ 45. What is 2 times of 45? It's 90. तो ये 90 बन गया यहाँ पे और फिर divided by g as it is so that this will actually become equal to u square by g, right है? तो ये हमको मिल गया r का value, no doubt. इसको हम बोलेंगे चाहिए तो r max, okay? या rm बोल सकते हैं उसको, ठीक है. अभी फिर height जो है तो height के लिए क्या formula है हमारे पास? Maximum height reached by the projectile is given by the formula u square sine square theta upon 2g, correct hai? But again theta is given to be 45, so we can just put it here and get this u square sine square 45, and that is to be divided by g, 2g, so that h becomes actually equal to u square into sine square 45. What is this sine 45? It is 1 upon root 2, right? And uska bhi square agar karenge aur usko bhi 2g se divide kar denge to humko height kitna milega? Dekho to height becomes actually equal to u square into 1 by 2 root 2 का square, मतलब ही 1 by 2 हो गया वो, and that is to be divided by 2g, right? So that h actually becomes equal to u square by 4g, बराबर, which can be written as h is equal to, देखो लिख से u square by g, and that is to be divided by 4. But u square by g मतलब ही क्या? ये देखो यहाँ पे u square by g मतलब ही यहाँ पे मैक्सिमम रेंज है. तो इससे ही हमको ये मिलता है h इज इक्वल टू r बाय 4 और मैक्सिमम रेंज बाय 4. तो इससे हम निकाल सकते हैं आराम से h इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 4 व्हिच इज गोइंग टू बी 20 मीटर. दैट्स इट. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट. यस ओके समझा ठीक से? ओके लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 6th वाला हम थोड़ा बाद में करेंगे. ट्राई टू डू दिस.
Okay, just read these questions. See here, a metro train runs from a station A to the station B and C, B to C. It takes 4 minutes in traveling from station A to the station B. And train halts at station B for 20 seconds. And then it starts from the station B and reaches the station C in next 2 to 3 minutes. Okay. At the start, the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 kilometers per hour. And the train moving at a constant speed is brought to rest in 10 seconds at next station. Okay. So plot the velocity time graph for this train traveling from the station A to B to C and calculate the total distance between the stations A, B, and C. Okay. So see here, we'll just read this carefully. What does it tell us is, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई करेंगे एज वी आर रीडिंग इट. दिस इज सपोज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमको ये ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो देखो मेट्रो स्टेशन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी एंड बी टू सी. इट टेक्स 4 मिनट्स इन ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्टेशन ए टू बी. ओके, इसका मतलब हम अगर यहाँ पे ये डाल देंगे, ये सपोज 1 मिनट, ये 2 मिनट, 3 मिनट एंड 4 मिनट. ठीक है, ये 4 मिनट में वो क्या हो रहा है, बी पे पहुंच रहा है. चलो ठीक है, और उसके बाद फिर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन बी एंड रीचेस द स्टेशन सी इन नेक्स्ट 3 मिनट्स. ओके, इसके बाद वो 20 सेकेंड्स के लिए रुकता भी तो है ना. ओके, तो देखो यहाँ पे ये 20 सेकेंड्स के लिए वो रुकेगा यहाँ से, तो ये हो गया 4 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. ओके, and then it starts for the station C and in the next 3 minutes. तो अगले 3 मिनट के अंदर वो सी के ऊपर पहुंच जाता है. तो मतलब सी पे कहाँ पे कभी पहुंचेगा, ये देखो ये 4:20, ये 5:20, 6:20 एंड 7:20. तो टोटल टाइम फॉर जर्नी विल बी 7 मिनट्स 20 सेकेंड्स. Okay. At the start, the train accelerates for 10 seconds. Yes. तो इसका मतलब पहले 10 सेकेंड जो है वो उसको एक्सेलरेट होने के लिए लगते हैं. And to reach the constant speed of 72 kilometer per hour. Okay. तो इसका मतलब उसका जो velocity time graph है वो इस तरह से increasing होगा. देखो यहाँ पे पहले 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट हो रहा है. ये समझो अभी एक मिनट है एक्चुअली, बट यहाँ पे मान लो कि एक 10 सेकेंड है. पहले 10 सेकेंड तक वो एक्सेलरेट होगा, उसके बाद 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक पहुंच जाएगा मैक्सिमम स्पीड पे, और उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा आगे. बट इट इट्स ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स, राइट? तो मतलब 10 सेकेंड उसको रुकने के लिए भी लगते हैं. तो अगर रुकने के लिए 10 सेकेंड लगते हैं तो इसका, और अगर 4 मिनट के अंदर वो अगर बी स्टेशन पे पहुंचने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब जरूर 4 मिनट से 10 मिनट 10 सेकेंड जो लास्ट के 10 सेकेंड है वो उसको रुकने में चले जाएंगे, उसको स्टॉप करने में, रिटार्डेट करने में चले जाएंगे. इसलिए ये सपोज यहाँ से उसका रिटार्डेशन चालू हो गया और यहाँ तक वो रिटार्ड होते होते कंप्लीट हो गया, रुक गया यहाँ पे. ठीक है, फिर यहाँ पे वो रुका रहेगा 4 से लेके 4:20 तक, मतलब 20 सेकेंड्स तक वो रुका रहेगा, बराबर. ओके, एंड देन इसका उसके बाद फिर बी से स्टार्ट करेगा और फिर से एक्सेलरेट होगा यहाँ से. But again, it will take 10 seconds to accelerate fully and get the maximum speed of 72 kilometer per hour and continue with the same speed for next time. And in the last 10 seconds, it will be again retarded and it will stop finally and reach at the point C here. So, ye point B hai, ye point C hai, aur ye point A hai. Okay? Yes. So, ye pura humko diya hua hai. अभी सोचो कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया स्टेशन. ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी. ओके, तो डिस्टेंस हमको निकालना है और हमने ग्राफ तो प्लॉट कर दिया अभी ऑलरेडी. अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फिर से जैसा कि बताया था दो मेथड्स हमारे पास है. एक तो फर्स्ट मेथड जो है
वो डायरेक्ट हमारे जो नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशंस होते हैं वो यूज करना, या तो फिर दूसरा जो मेथड है वो है एरिया निकाल के दिखाना, एरिया अंडर द कर्व, एंड बोथ ऑफ देम आर ट्रेपेजियम्स ओनली. तो ट्रेपेजियम्स यू कैन फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मेट्रो ट्रेन इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एरिया अंडर दिस कर्व. तो एस वन जिसको हम बोलेंगे एस ए बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हाउ मच इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू, सो इट विल बी द एरिया अंडर दिस ट्रेपेजियम, फर्स्ट ट्रेपेजियम विच इज गोइंग टू बी देयर. तो इस फर्स्ट ट्रेपेजियम के अंदर का जो एरिया है तो वो अगर हमने निकालने के लिए ट्राई किया तो कितना मिलेगा हमको, देखो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, उनके पैरेलल साइड्स चाहिए और हाइट भी चाहिए. अच्छा हाइट कितना है उसका, 72 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो ये 72 किलोमीटर पर आवर, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस 72 इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी वी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/18, करेक्ट है. तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमको मिलेगा 18 1s 18 4s एंड 5 4s 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड ये बन गया उसका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी. सो दैट विल बी द हाइट, करेक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी द हाइट. ओके एंड व्हाट इज द पैरेलल साइड्स, तो देखो पैरेलल साइड्स के लिए ये पूरा 4 मिनट मतलब कितना हो गया वो 4 × 60 मतलब ये हो गया 240 seconds, बराबर 240 seconds ये है. बट इसमें से 10 seconds जो है वो तो उसको एक्सेलरेट करने में लग गए, और 10 seconds लास्ट के जो 10 seconds है यस, तो वो उसको रिटार्ड करने में, ब्रॉट टू रेस्ट मतलब उसको रोकने में लग गए. तो आगे पीछे के 10 seconds अगर माइनस कर दो तो ये बीच वाला डिस्टेंस जिससे वो कॉन्स्टेंट स्पीड से दौड़ रहा था वो कितना रहेगा, 220 seconds रहेगा. इतना आया समझ में ठीक से? तो ये हो गया ट्रेपेजियम का सेकेंड साइड, पैरेलल साइड, ठीक है, सेकेंड पैरेलल साइड. एक है 240 और दूसरा है 220 और हाइट उसका है 20, दैट्स इट. सो इससे हम आराम से निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी. तो हाउ वी कैन गेट दिस ए बी हियर, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन बी इक्वल टू द हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी वी कैन से इनटू हाइट. तो अगर वो यूज करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाउ मच इट इज, ए प्लस बी मतलब ये देखो 240 प्लस 220 दीज आर द पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट व्हिच इज 20. सो इफ वी सिंपलीफाई दिस फर्दर देन वी गेट दिस हाफ ऑफ, अच्छा ये हाफ जो है वो 20 के साथ कैंसिल होके 10 बचेगा इधर, और 240 प्लस 220 कितना होता है 460 बराबर. तो 460 एंड मल्टीप्लाइड विद 10 व्हिच कम्स आउट टू बी एक्चुअली 4600 मीटर, करेक्ट है. अभी 4600 मीटर मतलब ही क्या, 4.6 किलोमीटर, करेक्ट है. सो दिस इज 4.6 किलोमीटर व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी द आंसर हियर. ओके एंड व्हाट अबाउट बीसी, इन द सेम वे अगेन हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वेयर द पैरेलल साइड्स दिस टाइम आर नथिंग बट सी हियर. अब यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है, ये पूरा 3 मिनट है, बराबर 3 मिनट. अभी 3 मिनट का मतलब क्या होता है, 180 सेकेंड्स होता है. तो ये हो गया 180 सेकेंड्स, लेकिन उसमें से 10 सेकेंड जो है वो स्टार्ट करने मतलब एक्सेलरेट करने और डीएक्सेलरेट करने में लग गए, तो इसलिए वो अगर माइनस कर दो तो 180 में से 10 20 गया तो वो बचेगा 160. ओके एंड दिस 160 इज टू बी यूज्ड एज अ सेकंड पैरेलल साइड्स. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी 180 प्लस 160 एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद हाइट. हाउ मच इज हाइट हियर, अगेन द सेम थिंग, दैट इज 20. सो दैट वी कैन गेट दिस 2 कैंसल्ड विद दिस 20 लीविंग बिहाइंड 10 हियर एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इनसाइड इज, it will be 180 plus 160, how much it is, 340, correct hai? So it is 340 multiplied by 10 and that is going to be 3400 meter, which is nothing but 3.4 kilometer, that's it. So this is the distance between B and C which is already there. Okay, yes. So let us stop here.
ओके एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि मंडे से, अच्छा पहले पहले मुझे पूछना था कि टेस्ट जो आपका है आज, इंट्रोडक्शन टू द एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये चैप्टर जो है इसका टेस्ट लगाया हुआ है आपके ऐप में, और वो आपको सबमिट करना है कल दोपहर में 3 बजे तक, ठीक है? तो अब अगर आपका फर्स्ट टाइम अगर सबमिशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसमें आप सेकेंड टाइम सबमिशन कर सकते हो, तो उसमें मैंने वो चेंज किया है अकॉर्डिंगली। और बट 3 बजे के बाद मत सबमिट करिएगा, कल 3 बजे तक का टाइम है आपके पास, तो वो आप सबमिट कर सकते हो। और दूसरी बात कि मैंने एक मोशन इन प्लेन का जो एक असाइनमेंट भी आपको सबमिट किया था। यस प्रशांत, आई हैव नॉट बीन थ्रू द चैप्टर, रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल, यू कैन जस्ट रेफर टू इट एंड प्रिपेयर इट वेल एंड गिव द टेस्ट, नो एक्सक्यूज, ठीक है? एक्सक्यूज मत दो, तो जो रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करके दिए हैं उसका यूज करो। अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फिर भी अगर चैप्टर में नहीं थे ऐसा होते बैठेंगे तो फिर नहीं चलेगा, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा, फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा जरूर, नो डाउट। चलो और दूसरी बात ये है कि हाँ मैंने मोशन एंड प्लेन का भी एक जस्ट एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट मतलब टेस्ट नहीं है वो, इट इज जस्ट जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड योर प्रैक्टिस असाइनमेंट है वो, तो प्रैक्टिस के लिए वो डाला है मैंने मोशन इन प्लेन का, तो वो भी आप उसमें से देख लो और वो सॉल्व करके सबमिट करो, मतलब सबमिट करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ डाउट्स अगर है तो फिर वो पूछो, ठीक है? तो ये अनाउंसमेंट है। ओके और मंडे से दोपहर में 2 से 3 बजे तक का जो टाइम है, 2 से 3 ना, हमारे रेगुलर लेक्चर्स जो है वो 3 से आगे चालू होते हैं, तो 2 से 3 तक मतलब एक डाउट सेशन रहेंगे, मतलब उसके अंदर ऐसा रहेगा कि जो टीचर का वहाँ पे नाम दिख रहा है वो टीचर उस समय 2 से 3 के बीच में डाउट सेशंस के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? तो अभी अगर आपको डाउट्स है तो आप उसमें लॉग इन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको इसमें दिया जाएगा, तो लेक्चर टाइप ही रहेगा वो, लेक्चर के जैसा ही रहेगा, बट इट विल नॉट बी द एक्चुअल लेक्चर, लेक्चर नहीं रहेगा वो, 2 से 3 के बीच में का जो रहेगा वो, तो इट विल नॉट बी द एक्चुअली लेक्चर, बट टीचर विल बी अवेलेबल एट दैट टाइम इन ड्यूरिंग दैट सेशन, तो 2 से 3 बजे तक का जो सेशन रहेगा उसके अंदर टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और जो जिस टीचर का नाम वहाँ पे रखा हुआ है तो वो टीचर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, और अगर कोई भी लॉग इन करता है और वो वन डाउट सेशन रहेंगे, ठीक है? उसमें एक एक बच्चा एक एट अ टाइम लॉग इन कर सकता है, तो उसके अंदर जो भी आपके डाउट्स है तो वो आपको 1-to-1 में सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है? तो ये भी एक मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड लेट अस स्टॉप दिस लेक्चर हियर, थैंक यू।